रिश्तों में कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस तो हमें समझ में आ गई लेकिन अगर रिश्तों में बातचीत की कमी हो रही है तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जी तो जब हम देखिए अगर किसी से अपने दिल की बात या कोई बिल्कुल ही बातचीत नहीं कर रहे हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं दूरी होने लग जाती है चाहे फिजिकली नहीं हो रही वो फिजिकली आप उस पर्सन के साथ रह रहे हैं उस जन के साथ बात कर रहे हैं बट इमोशनली और मेंटली हम उनसे दूर होने लगते हैं और वो हो सकता है कि आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो जिसको आपने सॉल्व नहीं किया है तो उससे क्या होगा एक कोल्ड सा रिलेशनशिप होने लग जाता है एक ठंडा सा रिलेशनशिप हो जाती है हाँ कोल्ड वॉर्स ही होने लग जाती है जैसे कि आपने कोई बार, बुरी बात लग रही है किसी की बट आप उसको कह नहीं पा रहे हो तो क्या होगा जब कोई सब साथ बैठे होंगे कोई हंसी मजाक हो रहा होगा आप ह्यूमर में भी सरकास्टिक हो जाते हो है ना कि जैसे आप बोलोगे आज वेदर जैसे ठंडा है जैसे मेरी बीवी ठंडी रहती है <laughs> तो है ना तो कहीं ना कहीं आप ये जोक बोल रहे हो बट उस पर्सन को ये चीज हर्ट हो सकती है तो वो जब वो ऐसे चीजें क्रिटिसिज्म जब सुनते हैं तो क्या है आपसे वो मेंटली और इमोशनली वो पर्सन दूर होने लगता है और एक कोल्ड रिलेशनशिप में हम चले जाते हैं दूसरा जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग पहली हो गई दूसरा हो सकता है कि ब्लेम करना कि आप रिश्तों में हमेशा दूसरों का ही फॉल्ट निकालते हो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी वजह से मैं यहाँ नहीं जा पा रही मैंने अपने पैशन को छोड़ दिया मैं इतने बच्चों की यू you नो know, सेवा कर रही हूँ या उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ तो ब्लेम करना तो ब्लेम करना भी कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते को हमारे कम्युनिकेशन को जब आने लगता है तो उसको दूर करने लगता है टूटने लगता है रिश्ता और जैसे कि इसकी वजह से हमारा ट्रस्ट कभी टूटा हो भरोसा टूटा हो तो और उस पे हमने हेल्दिली उस पर काम नहीं किया है जैसे किसी ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा या धोखा दिया तो आपको लगता है कि यही अब सच है और इसी धारणा के साथ में उस पर्सन को देखने लग जाती हूँ कि अब इसने तोड़ा है अब ये कुछ ना सस्पिशियस हमारे अंदर कोई डाउट आने लग जाता है कि अच्छा अभी आज फिर ये गए हैं बाहर जरूर ये कुछ गलती होगा या फिर मुझे कुछ झूठ बोल कर गए हैं तो हम पहले ही धारणा बना लेते हैं एक बना लेते हैं जो पीछे हमारा अनुभव हुआ है उसको लेकर एक नई शुरुआत नहीं करते तो उससे भी हमारा कम्युनिकेशन जब ये कि रिलेशनशिप में जब ये नहीं होता तो हम उससे पीछे की ओर जाने लगते हैं और कभी कभी इतने पीछे चले जाते हैं जैसे बोलते हूँ मैं एक ह्यूमर जैसे कि लोग जब आर्ग्यूमेंट में आते हैं वो क्यों इतना तेज़ चीखते हैं है तो पास पास बट क्यों इतना चिल्ला रहे हैं क्योंकि क्या होता है फिजिकली तो हम पास में बट हमारे दिल दूर हो जाते हैं जी तो इतना तेज हम बोलने की कोशिश करते हैं ताकि वो दिल हम दोनों के जुड़ जाए वो कनेक्शन दोबारा बन जाए तो इसलिए हम इतनी लाउड नॉइसेस यू नो वॉइस में बात करते हैं हम पास इतने बैठे हैं हम अपनी बात को आराम से भी कर सकते हैं पर इतना क्यों करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिल दूर हो गए वो कनेक्शन वो, वो दूरी हम महसूस कर रहे हैं इसलिए हम चीख कर बोल रहे हैं कि कि वो ताकि बात, हमारी बात तक पहुंच पाए पहुंच है ना वो बात पहुंच पाए वो अंडरस्टैंडिंग समझ पाए कि मैं कहना क्या, क्या चार चार रहा। और इसमें मैं एक healthy discussion होना बहुत इसमेंटेंट है मैं ये नहीं कहूँगी कि हर रिलेशनशिप एक परफेक्ट रिलेशनशिप होता है कोई ऐसी परफेक्ट चीज नहीं है रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होते उन्हें परफेक्ट बनाना होता है परफेक्ट बनाने का मतलब क्या है कि उनकी इम को भी एक्सेप्ट करना कि उनसे भी गलती हो सकती है है ना हम सारे वर्क इन प्रोग्रेस है हम सीख रहे हैं अपनी गलतियों से कोई सीखा सिखाया तो नहीं आया है ऊपर इस संसार में कि मेरे को तो सब पता है हर गलती से हम सीख रहे हैं तो वही हम सोचे इस रिश्ते में भी कि अच्छा उसको अपना एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा बट ठीक है मैं कोशिश करता हूँ अपने की वो भी शायद उसको एक राय दूँ कि तुम शायद इससे काम करके देखो तो वो काम कर जाए बट ये हमारा होता नहीं है हम उस चीज को ही एंकर करने लग जाते हैं कि एक चीज जो गलत हो गई हमारी सुई वहीं अटक जाती है कि ये हो गया अब इसी के साथ ही मैं सारी जिंदगी हम उसी को चाहे जिंदगी भी पूरी हो जाए तब भी वो ग्रज वो हर्ट हम अंदर ही दबाए रखते हैं जिस पे हमें काम करने की बहुत जरूरत है और एक्सप्रेस करने की बहुत जरूरत है अगर हम उसी वक्त एक्सप्रेस कर दे तो वो चीज़ आगे बढ़ेगी ही नहीं बढ़ेगी नहीं है ना उसको सोल्यूशन कैसे होगा क्या सोल्यूशन हो सकता है अंदर दबाकर नहीं बिल्कुल भी नहीं उल्टा खराब ही होगा खराब ही होगा हो ना है। आप अपनी हेल्थ को खराब करोगे रिश्ते को खराब कर रिश्ते को खराब कर ही रहे हैं और वो एक रिश्ता इनडायरेक्टली कितने रिश्तों पे प्रभावित होता, होता है ना अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं आपके बॉस के साथ आई एम श्योर आपका रिलेशनशिप अपने मम्मी पापा या जो आपकी क्लोज वन जिनके साथ आप घर में रह रहे हो उनके साथ भी नहीं होगा क्योंकि वहां का गुस्सा आप यहाँ या वाइस होता है कि घर हाँ। का गुस्सा हम अपने जूनियर्स पर निकाल देते हैं या बच्चों का आप स्कूल का उदाहरण लो टीचर की अगर घर पर कम्युनिकेशन हस्बैंड के साथ कुछ लड़ाई हुई है किसी बच्चे ने गलती तो करे कोई बच्चा क्लास में सारा वो गुस्सा उस बच्चे पे उतर जाएगा और सोचिए उस बच्चे का भविष्य क्या होगा उस गुस्से पर जिसकी कोई गलती भी नहीं है बहुत सोचने की ज़रूरत है कि कैसे शब्द आप क्योंकि कम्युनिकेशन वो ब्रिज है जो दो दिल को जोड़ता है है ना एक जिसमें मैं कहूँगी ये वो नमक के जैसे है जो एक स्वाद को एनहांस कर देता है तो कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है और उसका इनडायरेक्टली आप देखेंगे कि कितनों पे इफ़ेक्ट हो रहा है और वो एडल्ट जब बच्चा बड़ा होगा वो भी अपने फैमिली में ऐसे ही गुस्सा उतारेगा उसको समझ आ गया कि जब मैं बड़ा होऊंगा ना फिर मैं ऐसे लोगों को जो नीचे मेरे आएंगे ना मैं उन पर गुस्सा उतार तो ऐसे ही जैसे टीचर स्टूडेंट का एग्जाम्पल है ऐसे ही पेरेंट और बच्चे के साथ भी हो सकता है अगर पेरेंट का अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है है ना उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो वो बच्चे पे भी इनडायरेक्टली उस पर असर कर रहा है क्योंकि तो बच्चा भी आपको देख रहा है और बच्चे तो हम कहते हैं ना कि वो सेंस कर लेते हैं चीजों इमिटेट करते हैं वो हाँ, इमिटेट करते हैं और सेंस कर लेते हैं चाहे जैसे अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो बट बच्चे के सामने वो हंस रहे होंगे वो सेंस कर लेगा हाँ, कि कुछ हाँ. तो मिसिंग है कुछ हुआ है मम्मी पापा के बीच में है ना और वो उसकी वजह से बच्चे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं तो उसको बच्चों के लिए तो मम्मी पापा रोल मॉडल है सबसे पहले क्योंकि हर रिश्ते में आप आते हो तो सबसे पहला ही रिश्ता मैं कहूँगी मम्मी पापा और एक बच्चे का होता है उसी से ही आगे रिश्ते बनते ये फाउंडेशन है रिश्ते की मैं कहूँगी अगर किसी का रिश्ता अपने मम्मी पापा के साथ अच्छा नहीं है तो आगे भी जो वो रिश्ते बनाएगा वो अच्छे नहीं होंगे अगर मम्मी के साथ अच्छा नहीं है तो आपके आगे के जो फीमेल्स आपके जुड़ेंगी चाहे वो बॉस के रूप में हो टीचर के रूप में हो या आपके पार्टनर के रूप में ही क्यों ना हो आपका रिश्ता नहीं होगा क्योंकि फाउंडेशन वो है, है। ना तो बच्चा एक इमेज बना लेता है कि रिश्ते ऐसे ही होते हैं है ना क्योंकि अगर नींव में ही अगर प्रॉब्लम है तो इमारत फिर वैसी ही खड़ी होगी बिल्कुल वो वैसे ही गिरेगी फिर आप पहले कमिटमेंट से भागोगे या तो हाँ। आपको लगेगा कि अच्छा मम्मी पापा ने मम्मी तो ऐसे वर्ड्स मैंने सुने हैं मम्मी के कि हाय मैं तो पछताई तेरे पापा से शादी कर कर मैं तो फंस गई तो ऐसे वर्ड बच्चा सुनता है और वो तो एब्सॉर्ब कर रहे हैं सब कुछ हाँ, और वो सच में रिश्ता ऐसा है तो क्या होगा जब वो एडल्ट बनेगा वो कमिटमेंट से भागे हाँ, वो रिश्ते में बंधना ही नहीं चाहेगा बंधना ही नहीं जो आजकल हो ही रहा है बिल्कुल वो क्या होगा यू you नो know, एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में अफेयर्स में जाएगा क्योंकि जहां पे सीरियसनेस आएगी उसको वही याद आएगा ट्रैप मम्मी के वर्ड कि नहीं 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 मुझे इसमें फंसना नहीं है अगर मैं फंस गया मेरी आज़ादी चली जाएगी तो मैं कमिटमेंट से अब के लोग क्या है कमिटमेंट से भाग रहे हैं जो हम इश्यूज आते हैं या मैं जिनके साथ काम करती हूँ यंगस्टर्स के साथ तो वो आके यही बोलते हैं कि कैसे हम एक पर्सन के साथ ज़िंदगी जी पाएंगे ये बहुत टफ है उनके लिए क्वेश्चन कि कैसे हम जी पाएंगे उनके साथ पूरी ज़िंदगी अब उनके साथ हमें जीनी है बहुत मुश्किल है ये कमिटमेंट देना तो कमिटमेंट से क्यों भाग रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इस अनुभव को एक रिलेशनशिप की डेफिनेशन उनके लिए बहुत अलग रही है चाहे वो बचपन से आ सकती है या आप जब टीनेजर थे या आपका रिश्ता अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा नहीं रहा है तो आप वैसी ही इमेज को लेके आगे चलते हैं और वो फिर हमारे जीवन भर इसका इफ़ेक्ट रहता है कि जब हमें ये दिखता नहीं है कि कैसे रिलेशनशिप में एक कम्युनिकेशन होना चाहिए कैसे हमें रिस्पेक्ट दिलानी है क्योंकि स्कूल्स में ये लाइफ स्किल्स पे काम नहीं किया जाता उन मैं नहीं कहूँगी कि वो गलत है क्योंकि उनका एकेडमिक्स पे आपको पैसा कैसे कमाना है कैसे इस रेस में आगे बढ़ना है रिश्तों को कैसे चन... क्योंकि जीवन को कैसे चलाना है वो नहीं सिखाते जो मेन वैल्यूज होती हैं कि हम रिश्तों पे कैसे काम करें या अपनी भावनाओं पे कैसे काम करें वो हमें देखना बहुत जरूरी है